तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro की ह्यूज सक्सेस के बाद हम सभी वेट कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro की, जो कि होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन। और इसी स्मार्टफोन को लेकर कुछ लीक्स और रूमर्स सामने आई है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, साथ ही में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसमें आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाला है कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसी स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि Redmi Note 7 Pro एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन था जो कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता था। और दोस्तों इस स्मार्टफोन को जो कैमरा था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो दोस्तों वैसा ही होने वाला है Redmi Note 8 Pro के साथ। लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि होने वाला है सैमसंग का कैमरा, और ये ट्रू 64 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन फोटोज देगा। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही दोस्तों 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में Redmi Note 7 Pro की तरह ही एक ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन डिजाइन होने वाला है जो कि ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक 6.39 इंच की एमोलेड स्क्रीन जैसा कि आपको Redmi के K20 और K20 Pro में देखने को मिला था, जो कि आने वाला है एक इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो कि अल्ट्रासोनिक इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला एक पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि होने वाला 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरे के साथ जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन फोटोज देने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर जो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है और आपको इससे पहले Redmi के K20 में देखने को मिल चुका है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 4000 mAh की बैटरी जो कि होने वाला है एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ और आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Redmi Note सीरीज का जो स्टार्टिंग प्राइसिंग होता है वो 14,000 से 15,000 रुपीज के करीबन होता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है उसकी प्राइसिंग भी आपको 14,000 से 15,000 रुपीज के बीच में देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन को बहुत ही जल्द यानी दिवाली से पहले चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन को दिवाली से एक महीने बाद आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको Redmi Note 8 Pro का स्पेसिफिकेशन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।